सबसे पहले तो आप सभी को हमारे देश के 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी गणतंत्र दिवस के अवसर पे हमारे विद्यालय में भी गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम मनाया गया या गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया, जिसके अंतर्गत कार्यक्रम का शुभारंभ हमने सरस्वती वंदना के साथ किया और बच्चों के द्वारा बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी सरस्वती वंदना की गई। सरस्वती वंदना के बाद हमने निकाली प्रभात फेरी, जो हमारे विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों के द्वारा एक छोटी सी रैली निकाली गई। ठंड बहुत ज़्यादा थी, जिसको मद्देनज़र रखते हुए जिसको ध्यान में रखते हुए हमने बच्चों को बहुत ज़्यादा तो ठंड में नहीं घुमाया, लेकिन हाँ फिर भी हमने प्रभात फेरी का आयोजन किया। उसके बाद ध्वजारोहण किया गया, फिर राष्ट्रगान गाया गया, लेकिन उसकी वीडियो मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं खुद राष्ट्रगान में शामिल थी, तो मैं वीडियो शूट कैसे करती। इतनी ठंड इतनी सर्दी होने के बावजूद भी हमारे बच्चों का जोश देखते ही बनता था, उनमें गणतंत्र दिवस को लेके बहुत ज़्यादा उत्साह था, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठंड में सभी लोग बहुत ठिठुर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमारे देश के लिए उनका प्यार बना हुआ है। इसी उत्साह को आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्यालय के बच्चों ने जो अगली प्रस्तुति की वो था एक देशभक्ति गीत, जो उन्होंने बखूबी गाया। बस ये था कि बच्चों की छुट्टियां चल रही थी, जिस वजह से प्रोग्राम की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाई। जो भी तैयारी करवाई गई वो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे और बहुत ही कम समय में करवाई गई है, जिसके कारण बच्चे कुछ गलती भी कर रहे थे, लेकिन वो बच्चे ही क्या जो गलती ना करें। और इसी के साथ और क्लासेस के बच्चों ने भी बहुत ही प्यारे प्रोग्राम किए, बहुत ही अच्छे गीत गाए, बहुत ही अच्छे देशभक्ति गीत गाए। फिर उसके बाद ग्राम प्रधान जी ने हम सभी को गणतंत्र दिवस के विषय में संबोधित किया। हमारा आजाद 1947 में हो गया था, लेकिन हमारा कानून है वो 1950 में जाके लागू हुआ था, और इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे कई बड़े महापुरुषों ने बलिदान दिया, अपनी जान के निछावर करते हुए हमारे देश को आजादी प्राप्त की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी बात कही प्रधान जी ने कि आज जो हम अपने देश में आज़ादी से घूम पा रहे हैं, एक आज़ाद जीवन जी पा रहे हैं, अपनी बात अपनी इच्छा हमें रखने का आज़ादी है, उन सब के पीछे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भी हमारे देशभक्त थे जो गुजर चुके हैं, हमारे देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, उनको हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। आज हमारा देश और हम जो भी हैं वो सब उन्हीं के बलिदान और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है, जो हम आज इस गणतंत्र दिवस को मना पा रहे हैं और अपने देश में अपने देश का झंडा फहरा पा रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा प्रोग्राम आगे, और बच्चों ने बहुत सारे प्रोग्राम किए। उसके बाद हमारे विद्यालय की इंचार्ज अध्यापिका श्रीमती शिवानी सिंह ने दो शब्द कहे, इसमें उन्होंने विद्यालय के बच्चों की मेहनत और बाकी जो प्रोग्राम्स होते आ रहे हैं उनके बारे में हमें थोड़ा बताया, थोड़ी जानकारी दी अपने विद्यालय का। हालांकि कहीं कुछ उसमें मैसेज नहीं गया, लेकिन हमारे स्कूल से हमारे क्या कहते हैं गाँव से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ था संकल्प यात्रा का, लेकिन चूंकि आज 26 जनवरी पे बच्चे इकट्ठे भी नहीं हो पाए वैसे प्रोग्राम नहीं, लेकिन अच्छा किया सारे लोगों ने, बहुत ही अच्छे से सबसे निभाया। और उसी के साथ साथ अंत में हमारे विद्यालय एवं अन्य ग्राम वासियों को मिष्ठान वितरित किया गया।
फिर बच्चों के द्वारा जो सांस्कृतिक प्रोग्राम किए गए थे उन बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए उन्हें कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स और इनाम दिए गए। ये जो इनाम हैं शायद हमारे लिए तो बहुत छोटे हैं, लेकिन बच्चों की खुशी और बच्चों के लिए ये गिफ्ट्स बहुत ही मायने रखते हैं। इसी के साथ हमारा आज का गणतंत्र दिवस का समारोह का समापन हुआ और लास्ट में मैंने यहाँ कुछ फोटोज अटैच कर दिए हैं। और जल्दी से अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।